हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं समर स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है आम पन्ना या आम का शरबत। तो फ्रेंड्स, ये आम का पन्ना टेस्टी तो होता ही है, टेस्टी के साथ साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। आम का पन्ना या आम का शरबत बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर 2 बड़े साइज का कच्चा आम, थोड़े से हमने पुदीने लिए, पुदीने की पत्ती, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा और धनिया 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, सफ़ेद नमक 1 चम्मच, यह है भुना हुआ लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और 1 हरी मिर्च हमने लिया है। मिर्च को आप कम या भी ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा आइस क्यूब, जो अभी वो फ्रिज में है मेरे, हमने बाहर अभी नहीं निकाला है, तो हम लास्ट में डालेंगे आइस क्यूब। तो चलिए हम सबसे पहले गैस पर हम आम को सेक लेंगे। हमने एक जाली रख दिया है गैस के ऊपर और अब हम आम को रख के सेक लेंगे। बहुत सारे लोग आम को कुकर में बॉईल भी कर देते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसमें आता है पका करके आम पन्ना बनाने में, वो बॉईल करने में टेस्ट नहीं आता है। इससे जो है आम की जो खुशबू है बहुत बढ़ जाती है और सोंधापन बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको हम सेकने के लिए रख दिए। तो चलिए हम तब तक पुदीने और हरे धनिए को हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा धनिया और पुदीना पिस गया है। आप इन दोनों की क्वांटिटी अपने अनुसार भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा कि आम को जब भी हम पकाएंगे, अलट पलट करके तो पकाएंगे ही, लेकिन गैस का जो फ्लेम है एकदम स्लो करके हम पकाएंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर जल्दबाजी में पका देंगे तो अंदर से है आम कच्चा रह जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा और ऊपर से बिल्कुल जल जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा हम फ्लेम को लो कर देंगे, उसके बाद हम आम को पकाएंगे। ये देखिए हमारा आम जो है ऊपर से पक गया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया है। तो हम एक नाइफ डालकर अंदर चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ जो है बिल्कुल ईजिली अंदर जा रहा है, यानी कि अंदर से भी आम जो है वो अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसको डाल देंगे ठंडे वाटर में। अब हम इस आम को ठंडे पानी में थोड़ी देर छोड़ देंगे, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसके बाद हम इसके सारे छिलके को हम उतार लेंगे। तो थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम छील लेंगे। आम हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसके सारे पल्प को एक नाइफ के हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए आम का पल्प जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम पक गया है अच्छे तरीके से। और गाइज एक बात पता है, ये पकाने के बाद इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग आता है, क्योंकि ये जो सेक देते हैं हम आग के ऊपर ना, तो इसका जो खुशबू है, इसकी खुशबू बहुत ही सौंधी खुशबू आती है, जो इस आम पन्ने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए सारे पल्प को हम आसानी से एकदम निकाल देंगे नाइफ के हेल्प से। Thank you.
गॉड के हेल्प से क्रश कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा आपको इसमें चंकी चंकी पीसेस मिलेंगे जो बहुत अच्छा लगेगा पीने में। और अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे जो धनिया और पुदीना और हरा मिर्च का जो पेस्ट हमने बना के रखा था। इसके बाद भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर। इसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सफ़ेद नमक, काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा हम डाल देंगे एक पिंच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमें तीखा नहीं बनाना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो थोड़ा सा ठंडा पानी हमने रखा है फ्रिज का, और इसको मिक्स कर देंगे। शरबत जो है थोड़ा सा अभी थिक लग रहा है, थोड़ा सा हम और इसमें पानी डालेंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी, आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें। बस ये देखिए गाइस, हमारा आम पन्ना बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और ये जो दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जो चंक्स दिख रहे हैं आपको ये आम के, ये जो बहुत अच्छा लगता है पीने के बाद, बहुत ही टेस्ट मज़ेदार लगता है ये पीने में। आप इसमें ऊपर से चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने चीनी इसमें ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। और ये है छोटा सा हमारे अथर्व का ग्लास, ये उसके लिए भी ड्रिंक बन गया। कोई भी ड्रिंक वो इसी ग्लास में पीना प्रेफर करता है, उसको ये ग्लास बहुत पसंद है। तो ये भी उसका ड्रिंक रेडी हो गया। तो ये देखिए गाइस, हमारा आम पन्ना या आम का शरबत बनकर रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। अब हम डाल देंगे सर्विंग टाइम पे एक क्यूब आइस का। फ्रेंड्स, एक बार इस आम पन्ने को जरूर से अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर से क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।